फरीदकोट में विधायक कुशल दीप सिंह ढिल्लों की ओर से सरहिंद और राजस्थान फीडर नहरों पर बने दो नए पुलों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहिब जी के भोग डालने के पश्चात कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जिसके बाद अरदास के उपरांत इन पुलों को संगत की हाजिरी में लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक किक्की ढिल्लों ने कहा कि करोड़ों रुपयों की लागत से बने स्टील के इन पुलों के साथ लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी और इन पुलों पर अब यातायात पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर मार्कफेड पंजाब के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार सेतिया, इंजीनियर करमजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में शहर निवासी भी मौजूद रहे। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सब तो जरूरी पुलसीगा क्योंकि जिहड़ी हाईवे बनी है बाहर उत्थों जिहड़ा फरीदकोट अंदर एंट्री है वो इत्थों इस सड़क तो होंदी है चैलाणी तो इत्थों आपां नूं कट मिलिया वा फरीदकोट नूं अगे भी नहीं मिलिया नहीं तो कोटकपुरे विच दी आउणा पैंदा। सो ये बहुत जरूरी सी 14 करोड़ रुपए की लागत नाल इहनूं अज पूरा किया गया। मैं जिवें अगे दस्सिया है कि अज तो 5 साल पहला जदों इलैक्शन अज महीना डेढ़ महीना कोड लगन च रह गया सी उदों बड़े चीज़ां दे श्रोमणी अकाली दल ने नींह पत्थर रखे सी। मैं बोलते ने भी दसिया उन्होंने एक तो तलवंडी वाला ओवरब्रिज, एक उन्होंने सीवरेज का सी, एक उन्होंने राजा माइनर का सी। योजे कई नींह पत्थर रखे गए, चाहे कोई भी सज्जन जाके डेट देख के आ सकता नींह पत्थर की, इन्ह दिन रखे गए। सो जे मैं अज इन दिन कोई उद्घाटन करदा ज नवा प्रोमिस करदा, यदा मतलब यह है कि मैं 5 साल नाकाम रहा।